हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल के गाइस। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी मांगने वाला हूँ। जितने मैंने ब्लॉग बनाया मेरी गलती थी कि मैंने वैसे ब्लॉग बनाया, ठीक है। वो तो मेरी गलती है कि मैंने सबको ऐसा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको सीखा नहीं पहले कभी किसी का वीडियो देख, शायद इसीलिए मेरे वीडियो तो नहीं चल पाए। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों के, ब्लॉगिंग के वीडियोस देखे, मैं तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ। इसलिए हम ब्लॉग अपने शुरू करेंगे। ये हमारा गाय सबसे स्पेशल और डिजाइनर वाला टट्टी करने वाला है। इसको कहते हैं कमोड, हिंदी में बोले तो ये है शो चाले, जहाँ पे हम शो चला सकते हैं अपना। ये बहुत डिजाइनर कमोड है गाइस हमारा। ये इतना डिजाइनर है, इतना डिजाइनर है कि आपको टट्टी भी डिजाइनर ही आएगी। अब ऊपर से मेरे को आप सब ये बताएं लड़कियां, पहले तो क्या तुमको हम प्यार भी स्पॉन्सर हम ही करें, गिफ्ट्स भी हम ही लड़के लोग लाके दे, तुम्हारे मूड स्विंग्स के टेंटरम भी हम ही संभाले। जब हमने तुमसे कुछ योगदान मांगा कि लव मेकिंग के वक्त थोड़ा सा योगदान दे दो, तुम कहती हो कि आज मेरा मूड नहीं है। हमारा योगदान कहाँ है? योगदान है ना हमारा भी, कहाँ, हमें तो नहीं दिखता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे अरे बेबी नाराज हो गई क्या? सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था यार, सॉरी यार। फिलहाल वो तो नाराज हो चुकी है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा शीशा देखने वाली जगह, ये मम्मी दहेज में लाई थी। ये रेड एफएम वाले जो आरजे वगैरह है, इन लोगों ने जो वीडियो बनाया थी, आईसीएसई वाले स्टूडेंट तो यार इतना इंग्लिश में बात करते, सीबीएसई वाले इतना लुखे वाली बात करते। भाई मैं पंजाब बोर्ड से पढ़ा हूं, सीबीएसई वाले तुम लोग जो बता रहे हो ना, ये हम बातें क्या करते थे, और सीबीएसई वाले को तो हम अंग्रेज समझा करते थे कि अगर वो गर्मी में भी बाहर चले गए तो मैडम के साथ इंग्लिश में बात करेंगे, मैम इट्स वेरी हॉट आउट देयर। और आईसीएसई वालों को तो हम वो समझते थे, टीचर बोलती है फेसबुक के सीईओ तुम बनोगे, ट्विटर का तुम बनोगे, और तुम कौन हो, तुमको जानते नहीं, तुम ऐसा करते हम यूट्यूबर बन जाओ। वैसे अलग अलग जगह की अलग अलग बातें। ये जो लड़कियां शेव करते हुए वीडियो बना रही हैं अपने व्यूज पाने के लिए, तो पहले बता दूं अगर गलती से कड़क बाल आ गए तो डोरेमोन भी बचाने तुमको नहीं आएगा। ये दारू पी के लोग अपनी बीवी को मारते क्यों है? मेरे को मालूम है एक आंसर बहुत अच्छा वाला। दारू पीने के बाद सबको मालूम है कि पुरानी बातें याद आती है, दारू पीने के बाद उसको अपनी बीवी के सारे टेंटरम याद आ जाती है। So funny ना? No! मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि आप सबको मैं और ब्लॉग में और क्या दिखाऊं, क्या कंटेंट दिखाऊं। और हाँ, मेरे को बातों ही बातों में एक बात याद आई, जिन जिनको लगता है कि अरेंज मैरिज एक बहुत ही जबरदस्ती वाला प्यार है, पर नहीं, ना उम्मीद वालों के लिए वो भी एक तरफा ही प्यार है। और मैंने गाइस अभी अभी सुना है कि मेरे दोस्त ने अभी अभी आईफोन लिया है, तो मेरे को तो मदद चाहिए, तो अभी उसको फोन करके उसकी मदद मांगते। हेलो भाई, मैंने सुना तूने आईफोन लिया है क्या? हाँ। और वो वाटरप्रूफ भी है? पर क्यों? मेरे तो घर पे आएगा, मेरे को ना कमोड़ के अंदर ऐसे टट्टी गिरते हुए का शॉट चाहिए। अब जाना लवड़े। ए जी, हमको हमारा दोस्त गाली दिया जी। क्या बोला? लवड़े बोला। हाँ तो तुम्हारी शक्ल दिखती भी वैसी है। गाइस मेरा आज तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रहा है, तो इसलिए मेरा बहुत ज्यादा वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। जितना बन चुका है वही देख लो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे। बाय। बेइज्जती कर रहे हैं सब, गालियां दे रहे हैं मेरे को।